मोहम्मद अकमल मारूफ। सिंध के शहर हैदराबाद में 1973 में पैदा हुए। एमए तक तालीम हासिल की। इब्तदाई जॉब रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से शुरू की। रेडियो हैदराबाद में 10 साल तक मुख्तलिफ शोबों में काम किया। आजकल सिंध यूनिवर्सिटी से वाबिस्ता हैं। बच्चों के लिए नज़में और कहानियाँ लिखते रहे हैं और खूब लिखते हैं। गुज़िश्ता 1 साल से मुख्तसर कहानियाँ भी लिख रहे हैं और इन कहानियों से अपने फेसबुक वॉल को सजा रहे हैं। अकमल मारूफ के अफसांचों में पहला अफसांचा सुनते हैं। उन्वान है हासिल। वो रिश्तों की पहचान भूल चुका था। बहन भाई दोस्त यार अजीज रिश्तेदार कोई उसे याद ना रहा। दौलत के रेल पेल ने एहसास के सारे दरवाजे उस पर बंद कर दिए थे। बड़ा सरकारी ओहदा, वसीओ अरीज, मुकम्मल एयर कंडीशन बंगला, ज़रूरत से ज़्यादा लग्जरी गाड़ियाँ, रिश्वत के माल की फरावानी उसकी शान व शौकत में आए रोज़ इजाफा करती दिखाई देती। दौलत के दबीस पर्दे उसकी अकल पर भी पड़ चुके थे। अपने पराये से अलग करने की यह आदत आहिस्ता आहिस्ता उसके बीवी बच्चों में भी सरायत करती चली गई। वो भी उसके मुकर्रर करदा रास्ते पर चलने लगे। रिश्तों से दूर होते होते वो इसकी भी पहचान भूल बैठे। रिटायरमेंट, बढ़ती उम्र और बीमारियों ने बिलआखिर उसे महदूद कर दिया। आरामदायक बिस्तर और ठंडे यक कमरे में वो अकेला पड़ा रहता। 2 मुलाजिम अलबत्ता इसकी खिदमत में मामूर थे। ये ठंडा कमरा और 2 मुलाजिम उसकी सारी दौलत और भाग दौड़ का हासिल थे। अब अकमल मारूफ का दूसरा अफसांचा सुनते हैं। उन्मान है हाथ की हाथ। चल निकल मेरे घर से अभी इसी वक्त, सास ने सासदा को धक्के देते हुए कहा। हाँ हाँ जाती हूँ, संभाल के रखो अपना घर और अपना बेटा। सासदा ने भी सख्त लहजे में जवाब दिया। रख लूँगी लेकिन पहले तुझे तो निकालूँ। सासदा ने अपने मैके पहुँच कर माँ को सास के जुल्म और ज्यादती के बारे में बताया। सासदा की माँ बेटी को तसल्ली देते हुए बोली, देख लूँगी तेरी सास को भी, तू फिकर ना कर। अम्मा भाभी कहाँ है? सासदा ने घर की वीरानी देखकर पूछा। अरे कहाँ होगी, निकाल बाहर किया कमबख्त को, घर का माहौल तबाह कर दिया था, माँ ने इत्मीनान से जवाब दिया। किस खूबसूरत अंदाज में माशरे के बिगड़ते हुए हालात को पेश किया है। अब तीसरा सांचा सुनते हैं मोहम्मद अकमल मारूफ का। उन्वान है मुजरिम। लॉकडाउन में नरमी और कारोबार को खोलने के हुकूमती ऐलान के साथ ही बाजारों में बेपनाह रश देखने में आया। अखबारात ने खबरें लगाईं कि 2 रोज के दौरान तमाम बड़े शहरों में अरबों रुपए का रिकॉर्ड कारोबार हुआ। मेरे एक करीबी दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि वो लोग कहाँ गए जिनके मुतल्लिक सुनते थे
के लॉकडाउन ने उनके उनके घर के चूल्हे ठंडे कर दिए और राशन के थैलों की खातिर वो सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। कुछ बेचारे तो ऐसे भी थे जो इज्जत नफ्स बचाने के लिए जिंदगी की कैद से आज़ाद हो गए और साथ में अपने बच्चों को भी ले गए। उसकी बात सुनकर मैंने जवाब दिया, मेरे दोस्त जो तुमने सुना वो सच था और जो तुम देख रहे हो वो भी एक हकीकत है। वो मजबूर और बेकस लोग आज भी घरों में ही हैं, बाज़ारों में ख़रीदारी करते वक्त हज़ारों लाखों रुपए लुटाते ये लोग ही उन फाकाकशों और अपनी इज्जत नफ्स के खातिर मरने वालों के मुजरिम हैं।